तो हम लोग अभी इटखोरी पहुंचे हैं, भद्रकाली मंदिर। धनवी सो गई थी पूरे रास्ते, धनवी सोई हुई थी। अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं इटखोरी, आए हैं यहाँ के भद्रकाली मंदिर में माँ का दर्शन करने के लिए। यहाँ आगे मैं आपको दिखाती हूँ, जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बताती जाऊँगी और आप देखते जाओ और ब्लॉग को एंजॉय करना। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं माता को चढ़ाने के लिए। तो प्रसाद ले लिया है मैंने, अब माता के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे पूजा की सामग्री आपको मिल जाएगी, यहाँ लाइन से पूजा की सामग्री सब बना हुआ है और गाड़ियाँ भी साथ में पार्क कर लेते हैं वो लोग। हम लोग अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। गेट के अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत है। ये यज्ञ मंडप है, यहाँ पे तो शादियाँ वगैरह होती होंगी। अंदर आते ही बहुत सुंदर सा व्यू है। ये है माँ भद्रकाली का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता माता वनवास के वक्त आए थे और युधिष्ठिर महाराज अपने समय अज्ञातवास के वक्त यहाँ पर रहे थे। हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर में पूजा करने के लिए। सारे लोग परिक्रमा करते हैं तो हम लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। फिर उसके बाद आगे जाती हूँ, फिर और भी मंदिर हैं वहाँ भी जाऊँगी, वहाँ का भी दर्शन कराऊँगी आपको। नारियल फोड़ दो, शक्तिमान मैं फोड़ू, आप फोड़ो नारियल। अच्छा, यहाँ पे चंदन टीका लगेगा। जय माता श्री, जय जयकार। तो चंदन टीका लग गया। हम लोग अभी जा रहे हैं एक और मंदिर में पूजा करने के लिए, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है और यहाँ पे शनि देव का। अब यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं, रास्ते में यहाँ पे बहुत सारे सामान बिक रहे हैं, यहाँ पे सिंदूर बिक रहा है यहाँ पे। सो आगे हम लोग सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये है शिव मंदिर, चलते हैं शिव भगवान का दर्शन करते हैं। पे नंदी भगवान बाहर में है। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो, इस शिवलिंग में 1008 शिवलिंग बना हुआ है। ये पूरे एक शिवलिंग के ऊपर नक्काशी किया गया है पत्थरों में। सो मैं यहाँ फूल लेना भूल गई हूँ तो मैं फूल लेकर के जा रही हूँ बेलपत्र फूल चढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि आप अगर इस शिवलिंग पे जल चढ़ाओ तो पूरे 1008 शिवलिंग पे जल चढ़ जाता है। सो ये मौका मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ। और इधर राम जानकी और विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है, चलिए वहाँ का दर्शन भी करवाते हैं आपको।
है गौतम बुद्ध स्तूप, और यहाँ पे इस स्तूप में 1004 छोटी छोटी और 4 बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, बनी हुई हैं। और ये 15 फुट का है, पर ये 6 से 7 फुट ही ऊपर दिखता है। और इसमें जो जल आपको दिख रहा है ना, ये अपने आप ही रिसता हुआ ऊपर आता है। सो इस ये बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। पंडित जी से हमने पूछा, वो बता रहे हैं, आप सुन। तो उनको ले जाने के लिए बहुत मनाए गए, वो नहीं माने। जब रात में चले गए इधर उधर खोजी, जब नहीं मिला तो वही बोली थी इतनी खोई, वही इतनी खोई थी पूरी है। यहाँ पे धनवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है, उसको खुले वातावरण में खेलना कूदना बच्चों को तो अच्छा ही लगता है। सो इसे भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे उसने एक डॉगी भी आया था, और अभी एक बकरी आई है, उसे देखकर ये पूरी एक्साइटेड हो रही है। मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट दिखा रही है, कुछ ना कुछ उसे बोल रही है। तो आप देखो, इंजॉय करो। गोट को देख के खुश हो रही है। अरे वाह। तो मंदिर के पास में ही नदी है, नदी तो सब देखते ही हैं, पर हमने सोचा चलो आए हैं तो नदी देख के जाते हैं, थोड़ा मजा आता है और कुछ नहीं। तो बस ये नदी देखे, आगे नहीं गई मैं क्योंकि बहुत पथरीला था ज़मीन रास्ता, और मैं खाली पाँव थी तो बहुत चुभ रहे थे पत्थर, तो इस वजह से मैं दूर से ये व्यू देख रही हूँ और कैप्चर किया। फिर हम लोग वापस चले आ रहे हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति है, वो यहाँ पे गौतम बुद्ध की भी पूजा होती है। दर्शन कर लिया हम लोगों ने, अब हम चलते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। तो कुछ देखते हैं, यहाँ पे खाने पीने का है, जूस बिक रहा है, जूस पियेंगे अभी। देखते हैं आगे चलते हैं। सारे मंदिर का दर्शन तो हम लोगों ने कर लिया है, अब आगे और क्या करेंगे आपको आगे दिखाती हूँ मैं। Stay tuned. और यहाँ पे हम लोग स्प्राउट्स खा रहे हैं। स्प्राउट्स खाने के बाद यहाँ गोलगप्पे दिख गए, फिर गोलगप्पे दिख गए तो खाने तो बनते हैं। यहाँ धनवी हल्ला कर रही है, बहुत शोर मचा रही है गोलगप्पे खाने के लिए। तो यहाँ पे गोलगप्पे हम खाएं, और फिर धनवी को पापड़ी दे दिया, वो पापड़ी खा रही है गोलगप्पे वाली, देखो कैसे खा रही है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, और अभी मंदिर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। सारा पूजा वगैरह सब हो गया है, अब बाहर जाते हैं। फिर अभी और कहाँ जाएंगे वो आपको मैं दिखाऊंगी आगे, आगे क्या क्या करेंगे हम लोग, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। चलो, वहाँ पे सब लिखा हुआ है क्यों ये मंदिर है, क्यों बना है, क्या बना है। यहाँ पे मंदिर का रहस्य लिखा गया है, मैं आपको बता दूँ। ये मंदिर कई हज़ारों साल पहले बना था, 988 ईस्वी के टाइम बना है, पाल शासन के टाइम। महेंद्र पाल जब बंगाल के शासक थे तभी बना है ये मंदिर। और बहुत सारे खुदाई करने पर बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनसे पता लग जा रहा है कि यहाँ पे जैन धर्म की भी पूजा होती है, बौद्ध धर्म की भी पूजा होती है, और हिंदू धर्म की भी पूजा होती है। यहाँ पे भद्रकाली माता के साथ मंगला गौरी की मूर्ति है जिनकी पूजा होती है। और बताया जाता है कि यहाँ पे दुर्गा माँ की भी मूर्ति थी 10 भुजाओं वाली, वो चोरी हो गई, और भद्रकाली माँ की भी मूर्ति चोरी हो गई थी पर वो मिल गई, पर दुर्गा माँ की मूर्ति अब आज तक नहीं मिली। सो ये रहस्य ही रह गया। सो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा मतलब रहस्यमय है, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम मंदिर से अभी बाहर निकले हैं, पर मंदिर परिसर से बाहर नहीं गए हैं अभी, हम कुछ और प्लान करके आए हैं मंदिर में। तो फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा कुछ दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड।